एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक डालेंगे 2 इंच के करीब। अदरक को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें और उसमें 2 बड़े प्याज कटे हुए डालें। प्याज ब्राउन होने तक भून लें, बीच बीच में हिलाते रहें ताकि वो जल ना जाए। प्याज हमारे हो गए हैं, अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसको भूनेंगे। मसाला हमारा भून गया है, 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। घी में भुनने के बाद इस मिर्च का कलर अच्छा तभी आता है घी में डाली जाए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये हमने जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी डाल देंगे और इनको मैश होने तक भुनेंगे हम। थोड़ी सी हींग डालेंगे। टमाटर मैश होने तक अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए, सॉफ्ट हो जाए। टमाटर गल गए हैं, गोभी डालेंगे और उसके साथ ही आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब सब्जी का नमक डालेंगे। पहले मैंने नहीं डाला था क्योंकि अंदाज़ा नहीं रहता, ज़्यादा हो जाता है।
सब्जी को ढककर 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकाएंगे, पकने देंगे। आप चेक करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं कि सब्जी हमारी कितनी पक गई है। आलू या गोभी को किसी को दबा के देख लें और अगर पानी लगे तो फिर से इसको ढककर रख दें। ये मैंने दोबारा से भी पका लिया है 5-7 मिनट और अब देखेंगे सब्जी में पानी। जब पानी सब्जी ये अभी है पानी, अब इसको हम बिना ढके पकाएंगे स्लो गैस पे ताकि पानी सूख जाए अच्छे से। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे सब्जी में। कसूरी मेथी डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को। सब्जी में खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और फिर से सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किस किस को कुकर में आलू गोभी की रेसिपी देखनी है कमेंट्स करें। सब्जी हमारी तैयार है बिल्कुल। और अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको ये सब्जी कैसी लगी है रेसिपी और कौन कौन इस तरह से बनाता है।